नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दो बड़ी अपडेट्स की। देखिए, एक नई वैकेंसी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दी गई है, तो उसी की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेट है जिसको हम जल्दी से देख लेते हैं, और उसके बाद हम जो नई वैकेंसी आई है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी समय से इसका इंतजार कर रहे थे काफ़ी सारे कैंडिडेट, तो एक अच्छी खबर है कि आपके लिए नई वैकेंसी आ चुकी हैं। कौन से पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये एक अपडेट है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। शुद्धि पत्र यहाँ पर दिया गया है, 27 अगस्त का है वैसे तो ये, और ये बताना रह गया था तो मैं ये जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रकाशित सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सिविल सेवा परीक्षा 2021, यानी कि आपका जो PCS है, लोअर PCS 2021 और सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 एवं वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021, यानी कि ये जितनी भी पोस्टें हैं इसके विज्ञापन में आरक्षण की विभिन्न ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियों में के प्रमाण पत्रों के प्रारूप के अंतर्गत उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के प्रमाण पत्र में अधिसूचना संख्या 04 और ये दिया गया है पूरा, इसके अकॉर्डिंग दिनांक 3 जनवरी 2020 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र के पुत्र पुत्री को भी आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। तो ये एक अमेंडमेंट किया गया है। बाकी जो आपका डेट एक्सटेंडेड की बात की गई है ग्रुप बी में, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या लोअर PCS में भी डेट एक्सटेंड होगा, तो इसका कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप बी में यानी कि अपर PCS में आपको देखने को मिलेगा कि डेट एक्सटेंड होने वाला है, आपके दोबारा से इसको रीफिल करने का मौका मिलेगा जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको, और जो पुराने जिन्होंने ऑलरेडी आवेदन कर दिया उनको यहाँ पर अमेंडमेंट करने के लिए अलग से ऑप्शन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। तो कुल मिला के यहाँ पर अब जो ये क्षैतिज आरक्षण है, जो फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं उनके पुत्र पुत्रियों को भी यहाँ पर आपके यानी कि सन एंड डॉटर को भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो है आपकी नई वैकेंसी, और वही आज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं उसमें क्या क्या पोस्टें, कौन सी पोस्टें हैं और कितनी हैं और कब से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट है वो है आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से, और इसको लेकर बार बार कमेंट में भी सवाल किए जाते थे कि ये वैकेंसी कब आएगी। फाइनली ये वैकेंसी आ चुका है। वैसे तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है, यानी कि ऑफिशियली नहीं आया है, मतलब ये ऑफिशियली है क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है तो ये ऑफिशियल है। ऑफिशियल से मेरा मतलब है कि जो वेबसाइट है वहाँ पर अभी तक नहीं आया, तो ये अभी कुछ समय में आ जाएगा, यानी कि 2-3 घंटे में, या हो सकता है इवनिंग तक, अगर ज़्यादा डिले हुआ तो शाम तक आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियली। डिटेल में जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या मांगी गई है, वो सारी चीज़ें, और बाकी जो पोस्ट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट में जो पोस्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, वो सारी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन होता है और जो एक्टिविटी लिंक होगा आपका एग्ज़ाम को ऑनलाइन फिलअप करने का, एप्लीकेशन को फिलअप करने का, वो आपका शाम तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसका अपडेट आएगा वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, और ये वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर AE की वैकेंसी है ये, सहायक अभियंता। तो कौन सा डिपार्टमेंट, मैं एक बार बता देता हूँ, उत्तराखंड शासन के विभिन्न विभाग अंतर्गत, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे जो मैंने बताया कि जो कि नोटिफिकेशन जब आएगा आपका, पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो इसके अंतर्गत आपका सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर और ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत निरीक्षक के कुल 154 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, इस एग्ज़ाम का जो नाम है वह है आपका उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021, और इसका काफ़ी समय से वेट हो रहा था कैंडिडेट्स द्वारा। फाइनली आपका ये एग्ज़ाम, माफ कीजिएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ठीक। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त विज्ञापन के संबंध में अति महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं वो निम्नवत हैं, यानी कि दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। पहला है आपका ऑनलाइन विज्ञापन जारी करने की तिथि, यह है आपका 1 सितंबर, यानी कि आज ये जारी हो जाएगा। ये न्यूज़पेपर में तो आ ही गया है आज, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं आया, हो सकता है थोड़े 1-2 घंटे या 2-3 घंटे में आ जाए आपका, ठीक है। तो 1 सितंबर 2021 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आज ही लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन अप्लीकेशन का, ठीक। ऑनलाइन आवेदन पत्र किए जाने की अंतिम तिथि 21 सितंबर है, तो 20 दिन का समय आपके पास है, ठीक है। तो नॉर्मली 20 दिन ही दिया जाता है, जो आपके UPSC है उसमें 20 से 25 या 30 दिन मैक्सिमम रहता है। तो ये है आपका भर्ती से संबंधित रिक्तियों का विवरण जो मैंने बताया, और अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन, और जो बाकी की शर्तें हैं
वो सभी आपको वेबसाइट पर विज्ञापित जो विज्ञापन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि अभी नहीं आए हैं तो अभी आ जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन का भली भांति अवलोकन करना सुनिश्चित करें। तो देखिए फाइनली ये अपडेट आ चुका है, 154 पोस्ट हैं यहाँ पर, तो जो भी इसके लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं वो अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है। तो एक अच्छी खबर है, इसको शेयर कर देना सभी के साथ, और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।